हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेन के फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, अनफोल्डिंग ऑफ चेन, अनफोल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि चेन जो हमारे पास बंधा हुआ है, जैसे चेन आप चेन सर्विंग करने जाएंगे लैब से, जो चेन को पिक करते हैं, तो चेन जो होता है एक बंचेज में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से बंचेज में ये बंधे हुए रहते हैं। इन बंचेज को हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि किसी भी तरह से इसको खोलेंगे, उसका एक सटीक मेथड होता है। ठीक है, चेन को अनफोल्ड करना मतलब बंधा हुआ चेन है इसको खोलना, उसको अनफोल्डिंग कहा जाता है। और जो बंद खुला हुआ चेन है, जो हमने मेजर किया हुआ है फील्ड में, डिस्टेंस मेजर कर लिए हैं चेन से, फिर से उसको ऐसे ही बंचेज में बांध के रखना, उसको कहा जाता है फोल्डिंग। फोल्डिंग मतलब चेन को लपेटना, चेन को किस तरह से हम लपेट रहे हैं ताकि जब हम चेन दूसरी बार खोलना हो, अनफोल्ड करना हो, तो हमारे चेन में उलझन ना आए, उसमें कोई चेन की कड़ी एक दूसरे से फंसे नहीं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फोल्डिंग ऑफ चेन, एंड चेन को ओपन करना यानी खोलना उसको कहा जाता है अनफोल्डिंग ऑफ चेन। ठीक है, तो अनफोल्डिंग के बारे में क्या है, टू ओपन ए चेन द स्ट्रैप इज अनफास्टेंड एंड द टू ब्रास हैंडल आर हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड, द बंच इज द थ्रोन विद द राइट हैंड। देखिए करते क्या है इसमें, हमारे पास सपोज हमारे पास बंच ऑफ चेन है। ठीक है, चेन का मतलब बंधा हुआ है पूरी जड़ी, 100 मीटर का हो, 100 फीट का हो, या फिर 20 मीटर का हो, 30 मीटर का, कोई भी चेन हो, तो इस तरह से लैब से जब आप उठाएंगे तो वो बंधा हुआ रहेगा, मतलब कि पूरी बंच में रहेंगे, सारी कड़ियाँ एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो इसको अनफोल्ड करने का मतलब क्या है, इसको खोलने का मतलब क्या है, क्योंकि चेन तो लैब में रखा रहता है तो वो तो ऑलरेडी फोल्ड किया हुआ रहता है। लैब हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो चेन को पहले अनफोल्ड करना होता है। करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड में, अपने लेफ्ट हैंड में चेन के दोनों ब्रास हैंडल, चेन का टॉप पे रहता है। ठीक है, चेन के दोनों ब्रास हैंडल को क्या करना है, लेफ्ट हैंड में कैरी कर लेना है, लेफ्ट हैंड में उसको पकड़ लेना है, चेन के ब्रास हैंडल को लेफ्ट हैंड में रखना है, और बाकी हमारे चेन के जितने भी पार्ट्स हैं, उसके जितने भी जरीब है, उसको हिंदी में जरीब कहा जाता है, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, उसको राइट हैंड से हम लोग बाहर की तरफ में थ्रो करते हैं। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ में फेंकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि चेन की जो बंधी हुई हमारे पास जंजीर रहती है, जो भी हमारे पास चेन बंचेज में रहते हैं, उसको अनफोल्ड करने का क्या रीजन, क्या तरीका होता है, तो चेन के दोनों हैंडल को, एक फ्रंट हैंडल और दूसरा रियर हैंडल को लेफ्ट हैंड में पकड़ के रखेंगे, और बाकी जो हमारे पास बंचेज है चेन का, उसको हम राइट हैंड से दूर तक थ्रो करेंगे जितना हमारे पास पावर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चेन को क्या हुआ, अनफोल्डिंग हो जाता है, मतलब चेन हमारी खुल जाती है। उसके बाद जो दूसरे हमारे जो भी लीडर्स या होंगे फॉलोअर्स, उनको कहेंगे दूसरे हैंडल को कैरी करके वो दूसरे डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस तरह से चेन हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है चेन का अनफोल्डिंग करना। दूसरी बात है चेन को फोल्डिंग करना, चेन को फोल्ड कैसे करेंगे, उसका भी एक सटीक मेथड होता है। करेंगे क्या चेन के फोल्डिंग के लिए, कि जो चेन हमारी लेंथ में है, सपोज ये हमारी पूरी लेंथ में चेन है, यहाँ इसका लिंक्स लगे हुए हैं चेन के। ठीक है, तो एक हैंडल यहाँ होता है और एक हैंडल यहाँ पर होगा, तो कहेंगे क्या कि एक पर्सन इस हैंडल को कैरी करके रखेगा, एक पर्सन यहाँ पर इस हैंडल को कैरी करके रखेगा, इसको पकड़ के रखेगा, दूसरे पर्सन को कहेगा कि ये हैंडल को तुम पकड़ो, और हैंडल को पकड़ के या तो इस डायरेक्शन से आए, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन से, दोनों में से कहीं डायरेक्शन से इसके पास आए, और दोनों हैंडल को एक साथ इसको पकड़ा दें, दोनों हैंडल को क्या करें, एक साथ पकड़ा दें। उसके बाद चेन का जब दोनों हैंडल एक साथ आ जाता है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, एक हैंडल पहले से था, दूसरा हैंडल और आ गया इसके पास, और जो हमारे पास चेन का जो लेंथ था वो कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें जहाँ पर भी अपने लिंक्स वगैरह होंगे इसमें। उसके बाद क्या करना है, दूसरे पर्सन जो इसे हैंडल पकड़ा दिया, वही पर्सन आकर के क्या करेगा, चेन का जो ये मिड पॉइंट होगा, जहाँ पर सर्कुलर टैली रखा रहता है मिड पॉइंट में, तो मिड पॉइंट से चेन को लपेटना शुरू करेगा, एक बार इस डायरेक्शन से लपेटते हुए राइट हैंड में उसको रखते हुए चलेगा, लेफ्ट हैंड से लपेटेगा और राइट हैंड में उसको कलेक्ट करते हुए चलेगा, और लास्ट में जो हैंडल पकड़ा हुआ रहेगा उसको ला करके उसमें कैरी करा देगा। ठीक है, तो ये होता है चेन का फोल्डिंग का प्रोसेस। चेन का अनफोल्डिंग मतलब चेन को ओपन करना, खोलना, कैसे खोलते हैं कि चेन के दोनों ब्रास हैंडल को लेफ्ट हैंड में हम लोग पकड़ के रखते हैं, एंड बाकी बंचेज को हम लोग थ्रो करते हैं फील्ड में, ताकि ये चेन पूरा खुल जाता है।
ठीक है। फोल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि एक एक हैंडल ऑलरेडी ये सर्वेयर जो होता है ये कैरी करके रखता है, दूसरा हैंडल दूसरे जो रियर हैंडल है इसे दूसरे सर्वेयर से मंगाता है कि यहाँ पर लेकर के आओ, और जो बीच वाला पार्ट होगा चेन का वहाँ से उसको फोल्ड करना, मुड़ा करके फोल्ड करना शुरू करता है और राइट हैंड में उसको कलेक्ट करते चलता है। लास्ट में जहाँ हैंडल आएगा तो हैंडल के साथ में उसको कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है दो प्रोसेस, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।